गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हो। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ता सेट्स, बैग्स। सो समर का भी टाइम आ चुका है, तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही रहती है कि मोस्ट कम्फर्टेबल आउटफिट बताओ, तो वो कुर्ता सेट से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकते। एंड वीडियोस में जो भी मैं बैग्स यूज़ करती हूँ, फुटवेयर यूज़ करती हूँ, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो में जो भी चीज़ें आप देखने वाले हो ना, ये उन ब्रांड से हैं जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्राइस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। आज की वीडियो में मोस्टली जो आइटम होंगे वो समर वाले ही आइटम होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आउटफिट से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंफर्टेबल कुर्ता सेट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि है मेरे करंट फेवरेट ब्रांड अराम्या से। अराम्या के क्लोथ की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है, ऑल्सो इनके डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड एलिगेंट है। एंड इस ब्रांड की खास बात यह है ना कि इसमें आपको 10XL साइज तक के कुर्ताज मिल जाएंगे, बॉटम वेयर मिल जाएंगे। सो आप किसी भी साइज के हो, इस ब्रांड में आपको आपका साइज मिल जाएगा। ऑल्सो इस ब्रांड में मुझे एक और फीचर काफ़ी अच्छा लगा कि आप टॉप का साइज एंड बॉटम का साइज अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लाइक यदि आपको टॉप आ जाता है मीडियम का, बट बॉटम आपको मीडियम बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो आप टॉप ले सकते हो मीडियम साइज, एंड जो बॉटम है वो आप ले सकते हो एल साइज में। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हम सभी के लिए। मेरे पास टोटल 3 सेट्स हैं इस ब्रांड से, चलिए वन बाई वन देखते हैं। एंड हाँ, ये जो सारे सेट्स हैं ना, ये आपने बहुत देखा होगा कुर्ता एंड पैंट्स और प्लाजो, बट ये जो सारे सेट्स हैं वो कुर्ता विद सलवार है। तो जो फर्स्ट कुर्ता है गाइस, प्योर कॉटन मटेरियल में है, प्लस इसके जो प्रिंट्स हैं, जो कलर्स हैं, ये इतने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है, एंड पहनने पर तो इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल है, पहनोगे तो जानोगे। इसका नेक का पैटर्न काफ़ी डिसेंट सा है, इसमें ग्रे एंड येलो कलर के फ्लोरल का पैटर्न है, प्लस आप सामने से देखोगे ना, पतली पतली सी सिल्वर कलर की लाइनिंग लगाई हुई है। इसमें जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स आपको इसमें 3-4 मिल जाएंगे, एंड स्लीव्स में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे इस तरह की येलो कलर की लेस लगाई हुई है। स्ट्रेट कुर्ता है इस तरह से, फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको सेम प्रिंट मिलने वाला है। नाउ इसके साथ में मिलने वाला है ये सलवार, जो कि फुल इलास्टिक वाली है, एंड इस तरह की है ये सलवार। ये डिफरेंट पैटर्न में है, मतलब इसमें फ्लोरल प्रिंट नहीं, इसमें लीफ का प्रिंट है, सेम कलर कॉम्बिनेशन है, एंड कुछ इस तरह की सलवार आपको मिल जाएगी। आप इनके आउटफिट को फुल डे आराम से वेयर कर सकते हो, गर्मी में भी, ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए परफेक्ट है। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास सेट है वो है ग्रीन कलर में, इसका भी पैटर्न काफ़ी डिफरेंट सा है, फ्लोरल प्रिंट बनाए हुए हैं ब्लैक कलर से, एंड नेक में आप देखोगे ना तो ये मरून कलर की बॉर्डर लगाई हुई है ओनली नेक में, जो सेम कलर में हमें बॉटम वेयर भी रिसीव हुआ है। ये भी स्ट्रेट कुर्ता है, कॉटन मटेरियल में है। स्लीव्स आप देखोगे तो इसमें आपको 3-4 मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे पतली सी गोटा पत्ती की लेस लगाई हुई है। सो ये हो गया कुर्ता। इस कुर्ता के साथ में भी जो बॉटम वेयर है वो है सलवार। सो कुछ इस तरह की सलवार है, जो आपने नेक में बॉर्डर देखा था ना, सेम वही प्रिंट एंड पैटर्न में आपको ये बॉटम वेयर मिलेगा, फुल इलास्टिक है, साथ में यहाँ पे डोरी भी दी हुई है, तो आपको टाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एंड काफ़ी अच्छी स्टिचिंग के साथ में ये सलवार है। यार ये आप देखो, इस तरह के रेडीमेड सलवार मिलना ना काफ़ी मुश्किल है, इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा देखने में स्टाइलिश भी लगते हैं। सो ये है हमारी नेक्स्ट सेट। ओके, लास्ट सेट दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए है ये कूपन कोड, 999 रुपीज़ से ज़्यादा की शॉपिंग पे आपको 250 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लेना ना। गर्मियों में इंडिगो नहीं पहना तो फिर क्या पहना। सो जो नेक्स्ट हमारा आउटफिट है वो है ये इंडिगो कलर में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कुर्ताज में, साड़ीज़ में, ड्रेसेस में, और सिल्वर ज्वेलरी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। सो इसका नेक का पैटर्न देखो, काफ़ी क्यूट सा है, एंड इसमें भी स्लीव्स आपको 3-4 मिल जाएंगे, यहाँ भी आप देखोगे तो वाइट कलर की लेस लगाई हुई है, एंड ये भी स्ट्रेट कुर्ता है। ये हो गया फ्रंट का पार्ट, एंड ये हो गया बैक का पार्ट, ये भी कॉटन मटेरियल में ही है। नाउ बात करते हैं इसके सलवार की, तो इसमें भी जो सलवार मिलेगा सेम कलर में है, बट पैटर्न डिफरेंट है। ये आप देखो, इस तरह की सलवार मिलने वाली है, जो ये भी फुल इलास्टिक के साथ में है, बट यहाँ पे भी डोरी दी हुई है,
तो ये थी गाइस हमारी लास्ट आइटम। इन सभी की लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना और डेफिनेटली ट्राई करना यदि आप समर में मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट पहनना चाहते हो तो। नाउ हम चलते हैं बैग्स की तरफ। तो जिन बैग्स की आपने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी ना, वही बैग्स आज मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं बंजारा बैग्स की, जो मैं जब भी वीडियो में यूज़ करती हूँ ना, मुझे हमेशा ही कमेंट आते हैं कि ये बैग कहाँ से लिया हुआ है। तो मेरे जो बैग्स हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं। फर्स्ट बात करते हैं इसकी, जो मैंने लिया हुआ था मीशो से लास्ट ईयर, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी बंजारा बैग और सर्च करने पर मुझे यही मिला था एक ऑप्शन। तो ये आप देखो, ये कुछ इस तरह की बैग है और बैग से ये कुछ ऐसा है और ये हो गया। अंदर में चेन वगैरह भी दी हुई है और साथ में ये ब्राउन कलर के जो टैसल होते हैं वो भी है। एंड ये जो इसका बेल्ट है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसको हाथ में भी ऐसा पकड़ा जा सकता है, बट ये फुल वर्क वाला बंजारा बैग नहीं है। ये मुझे मीशो में जैसा मिला था उस टाइम पे वो मैंने ले लिया था, क्योंकि ये जो बैग्स हैं ना इस तरह के जो फुल वर्क वाले आते हैं वो आपको मिल जाते हैं जनपद में गुजराती लेन में। तो अभी कुछ टाइम पहले जब हम लोग फैमिली ट्रिप पे गए थे ना, मैंने सोच के रखा था कि मुझे जाना है और फिर वहाँ मैं गुजराती लेन जा करके, मुझे फीवर था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं इस बार तो लेना ही है। तो मैंने दो बैग्स लिए वहाँ से, मतलब लेना एक ही था बट मैं बहुत कंफ्यूज थी कौन सा लूँ, तो मैंने दोनों ही ले लिए। और जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग में नहीं कर पाई। ऐसे तो उन्होंने प्राइस 3500 रुपीज़ ईच बोला था, बट मैं ज़्यादा नहीं कर पाई गाइस। मुझे लगता है 1500 रुपीज़ में यह मिल जाता, बट मैंने इसके लिए 2000 रुपीज़ पे किए हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है और पूरे मार्केट घूमने के बाद में एक ही स्टोर में मुझे सबसे ज़्यादा हैवी वाले और अच्छे डिज़ाइन वाले मिले। और सभी तो वैसे ही प्राइस कोट कर रहे थे यार, तबीयत ठीक नहीं थी, कितना बार्गेनिंग करती। तो ये आप देखो, ये पूरे हैंड वर्क वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है। इसका पार्ट कुछ इस तरह से है एंड साइड में भी आप देखोगे ना तो इस तरह के टैसल लगाए हुए हैं। और ये है रेड कलर में, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ये ओपन होता है एंड यहाँ पे भी अगेन जिप है। इसको आप हाथ में भी ऐसे पकड़ सकते हो, अदरवाइज इसका जो ये बेल्ट है, ये देखो आप, इसमें भी काफ़ी हैवी वर्क है। दोनों ही बैग के बेल्ट डिफरेंट डिफरेंट मैंने लिए हैं। वहाँ आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है। तो ये मैंने एक लिया एंड दूसरा मैंने लिया हुआ है थोड़े से लाइट कलर में, लाइक वो प्रॉपर ब्राइट रेड कलर था ना, मैंने दूसरा लिया हुआ है ये पिंक में, जो थोड़ा न्यूट्रल सा लग रहा है। बट इसमें भी आप देख लो, काफ़ी हैवी सा वर्क है इस तरह से, और यहाँ साइड में भी इस तरह से लटकन है और इसका भी बेल्ट कुछ इस तरह का है। तो ये है हमारी नेक्स्ट बैग, जो अगेन मैंने लिया हुआ है जनपद से। बट ये बैग यदि आपको चाहिए ना, तो आप इंस्टाग्राम स्टोर से भी ले सकते हो, जनपद ऑनलाइन और बंजारा कुछ तो है, एक दो अच्छे स्टोर जो आपको सेम टाइप के ऑथेंटिक बैग दे देंगे जो फ्रॉड नहीं होंगे, उनको ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट जो बैग है वो है ये वाला बैग। ये जब भी मैं अपने ड्रेसेस के साथ में यूज़ करती हूँ तो हमेशा ही मुझे कमेंट आते हैं कि ये बैग कहाँ से लिया है। तो ये भी एक बंजारा बैग है, बट ये किसी ब्रांड से है जो शार्क टैंक इंडिया पे भी आया था। ये है ब्रांड मायसा से, ये इंस्टाग्राम स्टोर है और काफ़ी अच्छा ब्रांड है। ये भी ना सारे कॉटन वाले ही फैब्रिक के और खादी कॉटन वाले फैब्रिक के ही और वीगन लेदर के बैग्स बनाते हैं जो काफ़ी अच्छे रहते हैं। मेरे पास इस ब्रांड से टोटल 4 बैग्स है, उसमें से एक मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि बकेट बैग है। इस तरह से ये ओपन होता है, यहाँ देख लो, नीचे में इसमें ब्राउन कलर है और इधर तो आप देख ही सकते हो इस तरह का काम है, काफ़ी सुंदर है ये। और यहाँ से इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं, अभी बैग खाली है तो बकेट शेप में नहीं आ रहा है, बट ये काफ़ी प्यारा सा ऐसे बकेट बैग है और इस ड्रेसेस वगैरह के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने पे किया था आई थिंक 1800 रुपीज़। ये मैंने लास्ट ईयर लिया हुआ था, अभी भी अवेलेबल है ब्रांड के पास यदि आप लेना चाहो। नेक्स्ट बैग मैंने अभी रिसेंटली ही लिया हुआ है ये, और ये मैंने लिया है ज़ारा से। ज़ारा में सेल चल रही थी उस टाइम पे मैंने इसको लिया हुआ है। इसकी प्राइस आफ्टर सेल ना, मतलब सेल में ऐसे इसकी प्राइस 5000 रुपीज़ है, बट सेल में मुझे 2000 या फिर 1500 रुपीज़ में मिली है। एंड ये बैग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड ये भी ना ऐसा बैग है जो बहुत सारे आउटफिट के साथ में अच्छे से चला जाता है, ब्लैक के साथ में, ब्राउन
ब्राउन के साथ में, न्यूट्रल कलर के साथ में बहुत अच्छे से जाता है। एंड इसका जो थोड़ा लुक है ना, ये थोड़ा इंडियन वाला लुक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड बैग्स में जो नेक्स्ट हमारी बैग है वो है ये वाली बैग। तो ये जो बैग है ना, ये मैंने काफ़ी पहले लिया हुआ था, आई थिंक 2 साल पहले लिया हुआ है इसको मैंने नायका फैशन से। बट ये जो ब्रांड है ना, ये है लव टू बैग, और इनके बैग्स क्लचेस खास करके बहुत ही खूबसूरत आते हैं। बट ये प्रीमियम ब्रांड है तो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है गाइस। मैंने ही जब सेल में लिया हुआ था ना, उस टाइम पे इसकी प्राइस मुझे इसकी आई थिंक 5000 पड़ी थी। एंड ये जो बेल्ट है देख रहे हो आप, ये अलग से आपको लेना होता है। इसके साथ में नॉर्मल पतली वाली जो चेन आती है ना वो आई थी, तो इसकी प्राइस मुझे पड़ गई थी 1800 रुपीज़। तो इस तरह से है ये वाली बैग। अब सामने से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी प्राइस हाई क्यों है। पूरा हैंडवर्क किया हुआ है और क्या डिटेलिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग है। और मैं क्योंकि ना पेस्टल आउटफिट ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, तो ये लाइट कलर के साथ में ना बहुत अच्छे से जाता है, तो ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये सारे आइटम अच्छे लगे होंगे। कुर्ता सेट्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, आप डेफिनेटली ट्राई करना, आपको समर में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। एंड जो बैग्स थे ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थे, हर वीडियो में मुझे रिक्वेस्ट आती थी ये बैग्स आपने कहाँ से लिए हैं। तो सारे जो मोस्ट रिक्वेस्टेड बैग थे ना, वो मैंने आज इस वीडियो में बता दिए हैं। तो सभी जहाँ से भी हैं उनके लिंक मिलेंगे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।